गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान मुद्रा। चेतना की गहराई। चेतना की गहराई। चेतन सत्ता से ओतप्रोत। आत्म सत्ता से सराबोर। बुद्धि की क्रियाशीलता जोड़ देंगे। बुद्धि की क्रियाशीलता हर चीज हमें स्पष्ट दिखाई दे। कोई भ्रांति नहीं। ध्यान मुद्रा। श्वास की क्रिया शुरू। जो कल समझाया था श्वास की क्रिया शुरू। पग डंडी में निखार। नाभि पर और होठ पर। नाभि पर शीतलता, होठ पर उसकी गर्मी महसूस करें। नाभि और होठ पर होती हुई क्रियाशीलता को ध्यान से देखें। अनुभव करें। अनुभव करें।
पहले जब आदमी के पास साधन नहीं थे तो कुआं से ढेकली से पानी निकालते थे, राजस्थान में अब भी गहरे कुओं से ऊंट से चरखी से पानी निकालते हैं। पगडंडी का निर्माण, जैसे ऊंट अपनी पगडंडी पर चलता है उसको पता है उतनी दूर तक पगडंडी जाती है जितनी दूर तक उसको चलना है। बुद्धि की बनाई गई राह पर चलो, स्वयं की जागृति का माध्यम बुद्धि। महसूस करिए नाभि चक्र जागृत, चेतना क्रियाशील, बुद्धि के माध्यम से मेरी चेतना क्रियाशील। कोई नया परिणाम नहीं घटना है, बुद्धि से पुराने को जागृत करना है। कोई नया नहीं, जो दबा हुआ है उसे जागृत करना है बुद्धि से। ध्यान देना, आदमी की सत्ता को परिस्थितियों ने जकड़ करके रखा हुआ है। आदमी उनके कारण बहानेबाजी कर रहा है, अर्थात संकल्प शक्ति का जागरण नहीं हो रहा है। हिम्मत को जुटाएं, बाधाओं को खत्म करें बुद्धि के द्वारा। कोई नहीं कर सकता।
दबावों बंधनों से परे उन्मुक्त हर चीज पर मेरा हक, ईश्वर की आत्मा की हर चीज पर मेरा हक, अपना अधिकार जमाए, स्वयं की शक्तियों का जागरण, आती जाती सांस पर ध्यान, इधर उधर ना जाए, मन को करने दीजिए जो कर रहा है। मन की तरफ ना जाए, मन को रोकने की कोशिश ना करें, अपनी बुद्धि को चलाएं। मन को रोकेंगे तो उलझ जाएंगे, दूसरा चरण मन का होगा अभिबुद्धि को क्रियाशील। विशेष ध्यान मुख्य बिंदु, विशेष ध्यान बुद्धि का स्वभाव तर्क करना। ध्यान दें, बुद्धि का स्वभाव तर्क करना, मकड़ जाल, तर्क मकड़ जाल। मकड़ जाल में ना फंसे, प्रखर बुद्धि, कोई निकम्मापन नहीं, सांस को आते जाते बुद्धि का प्रयोग करें, नाभि चक्र को देखिए, ध्यान करिए नाभि चक्र का, अग्नि का वलय जागृत हो रहा होगा, अग्नि का चक्र नाभि के चारों तरफ वलय जागृत हो रहा होगा। इच्छा जागृत नहीं होने देनी है, उद्देश्य है भावना का जागृत करना, नहीं तो मकड़ जाल शुरू हो जाएगा। कोई इच्छा नहीं, तथ्य परख, बुद्धि तथ्य परख,
कोई उहापोहू नहीं, कोई द्वंद नहीं, नहीं तो द्वंद पनप जाएगा। सत्य का प्रकटीकरण, कोई द्वंद नहीं, कोई उहापोहू नहीं। आती जाती सांस मेरे मार्ग को साफ कर रही है। जिस तरह से पैरों से चलने से पगडंडी साफ हो जाती है, शंका संदेह जल रहे हैं, बुराइयों का निराकरण हो रहा है। बिल्कुल गहराई में उतर जाएं, आप सिर्फ केवल वो करें जो आपको कहा जा रहा है। अगर क्रिया आपके अंदर नहीं हो रही है तो मकड़ जाल शुरू, बंद जो आपको फंसा देगा। एकाग्र चित्त नाभि स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित आप दिन में सच्चाई को देखना, अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं और जितना कर रहे हैं तनाव से मुक्ति, तनाव रहित जीवन हो जाएगा। बुद्धि की क्रियाशीलता तनाव हटने का कारण सकारात्मक सोच, गहरी लंबी सांस रगड़ करके जाए। गंदगी को छुटाए, नाभि स्थान में ऊर्जा का जागरण, ऊर्जा से मेरी शक्ति का जागरण, मेरी कमजोरियां समाप्त,
मकड़ जाल को हटाइए, बुद्धि से सही चीजों का चुनाव की शक्ति जागृत, मन को गांठ बांध लें, द्वंद और कुछ नहीं, मेरे प्रारब्ध। बहुत गहराई से सोचिए, द्वंद कुछ भी नहीं है, मेरे प्रारब्ध। जीव प्रारब्ध के वशीभूत, प्राणायाम और ध्यान टूटे ना, आधार ध्यान, क्रियाशीलता प्राणायाम, प्राण तत्व ही है जो अपने अपने प्रारब्धों के अनुसार संसार में 84 लाख योनियों में बंधा है। स्वतंत्र भी प्राण तत्व ही है, वहां पो द्वंद के बंधनों से मुक्त। रगड़ करके गहरी लंबी सांस, इतना रगड़ करके चलें नाभि चक्र आग का अंगारा बन जाए। बुद्धि की विशेषता का जागरण, ध्यान देना। ध्यान भी आपका है और बुद्धि भी आपकी है।
बुद्धि की विशेषता से ही ध्यान का जागरण एहसास महसूस बुद्धि प्रचंड बुद्धि निर्विकार निर्लिप्त संदेह द्वंद्वों से परे यही चेतना का बंधन है। काट दें जला दें विषम परिस्थितियों से छुटकारा जीवन की विषम परिस्थितियों से छुटकारा बंधन मुक्त जीवन यात्रा शुरू जीव की यात्रा शुरू उन्मुक्त जीवन लोभ मोह काम क्रोध से परे जीवन जीवन में कोई पश्चाताप नहीं उपलब्धियां ही उपलब्धियां इतनी प्रसन्नता के आनंद से ओतप्रोत हो जाए नाभि तत्व पर एहसास करें कैसा लग रहा है बुद्धि से नाभि तत्व जागृत
दिन भर जो भी बंधन आए बुद्धि से काटें, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। चेतना की क्रियाशीलता को महसूस करें, परिवर्तन को महसूस करें, अपनी चेतना की प्रगति, जीवन यात्रा प्रगति उसको महसूस करें। कितना बदलाव, कितना बदलाव। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, नवीन दृष्टिकोण का जागरण, नई सोच, सोच में निखार, मन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बुद्धि की तरफ ध्यान देंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमयः। अगर ध्यान से नहीं चलोगे तो मकड़ जाल में फंस जाओगे, इसलिए उधर उधर की किसी बात पर नहीं सोचना है। जो कहा जा रहा है सीधा उसी पर चलना है। दोनों हाथ रगड़ेंगे, मुख पर फिराएंगे, अब एहसास करेंगे इस समय आपको कैसा लग रहा है, उस परिवर्तन को महसूस करें। सारा दिन प्रयास करें उसी को जागृत करने का, एक एक चक्र को जगाना है। देवयान मार्ग अर्थात जिस पर देवता लोग चलते हैं, उन पगडंडियों का जागरण, कोई कुतर्क नहीं, सब द्वंद्वों से परे रहेंगे, आज का जीवन निर्विघ्न जीवन की यात्रा करेंगे।
जहां पर भी आपको दिक्कत आए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करना, प्रार्थना